प्रार्थना सभा में सुंडी के शरणास्थल में हम लोग जुटे हैं और ये हर एक साल की भांति इस साल भी शरणा प्रार्थना सभा बहुत धूमधाम से किए हैं। और जितने भी आयोजक हैं सभी आयोजक मंडली को, भाई बहन को, धरम अगुआ भाई बहन लोग को, सबको हम जय धर्म कहेंगे। और इसके साथ ही इस पूरे बारापढ़ा शरणा प्रार्थना सभा स्थापना दिवस के अध्यक्ष गुंडूबाड़ी ग्राम प्रधान विजय तिर्की, कार्यकर्ता शंकर तिथि, मीना गाड़ी, अंजू किसकोटा, विनीता तिर्की, विजय तिर्की, ग्राम प्रधान शंकर तिर्की, सभी को हम जय धर्म कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे महिला जितने भी आई हुई है सभी को हम जय धर्म कहते हैं। एक जातर फिर साथ में शिवा कश्यप जी और उनके साथी और जितने भी अलग अलग गांव से भजन मंडली आए हैं सभी को हम जय धर्म कहेंगे। आज एक ऐसा समय है कि लोग सभी अपने अपने धर्म के बारे में लोग कह रहे हैं और एक हम लोग भी, हम लोग का धर्म सबसे पुराना धर्म है शरणा धर्म। और ये शरणा धर्म का बीच में थोड़ा सा निश्चित तौर से एक जो जन जागृति थी या धर्म के बारे में एक जागृति थी, ये जागृति थोड़ा सा कम हुआ था। हम लोगों ने एक विदा उठाए और एक शुरुआत किए। हम लोग भी नहीं सोचे थे कि ये इतना रफ्तार पकड़ेगा और इतना अच्छा से ये आगे चलेंगे, लेकिन आज गांव जिला जिला राज राज भारत के सभी राज्यों में, उसके साथ ही नेपाल और भूटान बांग्लादेश में भी आज शरणा प्रार्थना सभा है। आज रांची में कहें तो रांची के हरेक गांव गांव में जितने भी शरणास्थल है जो एक बात किए हरेक साल लोग कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र है कि हम लोग शरणा धर्म के बारे में और शरणा धर्म की विशेषता के बारे में हम लोग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है, हम दो तीन बात के तरफ हम इंगित करना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में कि शरणा में हम पूजा करते हैं, शरणा में पूजा करते हैं। शरणा एक जिंदा पेड़ है, सखुआ का पेड़ या कोई भी पेड़ जो हमारा नीचे से पहले पीपल का पेड़ है, कहीं बर का पेड़ है, कहीं महुआ जामुन भी है, तो इस तरह से एक शरणा में जो भी पेड़ रहा हम उसकी पूजा करते हैं। हम जिंदा पेड़ की पूजा करते हैं और जिंदा पेड़ हम पानी ढालते हैं, वो पानी स्वीकार करते हैं, वो पानी पीती है। पूरे दूसरे धर्म को अगर देख ले तो दूसरे धर्म में प्राकृतिक की पूजा करने की परंपरा बहुत कम है। हम बहुत नजदीक से हम प्राकृतिक की हम पूजा करते हैं और हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, बहुत अग्रसोची थे और उन्होंने प्राकृतिक की पूजा की। आप अगर देख लें तो प्राकृतिक की पूजा करने में हम ये बताते हैं कि प्राकृतिक की पूजा सभी भगवानों से बड़ा है। ये आज जितने भी प्राकृतिक के जीव जंतु है वो प्राकृतिक के प्रतिक्रिया से पैदा लिए हैं। जितने भी यहाँ अनाज पैदा होते हैं ये प्राकृतिक के प्रतिक्रिया से ही अनाज पैदा होते हैं। गर्मी ना हो, जाड़ा ना हो, बरसात ना हो तो बहुत सारा अनाज पैदा नहीं होंगे, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा पैदा नहीं होंगे। यहाँ दिन रात नहीं होगा तो यहाँ पर जो हम जैसे जीव आदमी के साथ में जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक तो मर जाएंगे और नहीं तो बड़ी मुश्किल में जिंदा रहेंगे। हम उसकी पूजा करते हैं और ये सबसे बड़ा पूजा है। एक हम कल परसों देख रहे थे फेसबुक पे झंडा ले थे कि भाई जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, कि मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब अपना अपना एक एक भगवान बना लिए हैं। हम भगवान किसी को नहीं बनाए, मेरा भगवान प्राकृतिक है, हम प्राकृतिक
प्रकृति की पूजा करते हैं, सरना पेड़ की पूजा करते हैं, धरती मां की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। और किसी भी तरह का हमारा कोई सरना माए धर्मेश बाबा सिंह बोगा हम जो बोलते हैं ये हमारा निराकार है और वो एक अदृश्य शक्ति है। आज के तारीख में हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे हम लोग से विशेषकर सरना प्रार्थना सभा के बहन लोगों माँ बाप लोगों लोग बोलते हैं कि सरना माई का फोटो नहीं रहता है तो माया नहीं लगता है। थोड़ा सा हम बोलने चाहेंगे सभी अपने विशेषकर माई लोग बहन लोगों की यही बोलते हैं कि सरना माई का फोटो नहीं रहता है तो हमको माया नहीं लगता है। ये धर्म इसी से बढ़ रहा है लेकिन हम लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग सरना पेड़ के आगे बैनर में सरना माई का फोटो दे दिए। ये हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार गलत है। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा मदद कीजिए। मेरे पूर्वज जो सरना बनाए हैं, मेरे पूर्वज जो सरना का पूजा करने के लिए बनाए हैं, मेरे पूर्वज महान पुजार महतो कोटवार बनाए, मेरे पूर्वज ये सरना का जमीन अलग किए, पहने जमीन अलग किए, काली कटारी जमीन अलग किए, भूत पूजा जमीन अलग किए, पटवारी जमीन अलग कर दिए, सब खतियान में लिखल है ना। आज तो इधर जाओ एक सब कुछ सब खतियान में लिखा हुआ है। कोई दूसरा धर्म का खतियान में लिखा हुआ नहीं है। विशेषकर यहाँ झारखंड में आप अगर चले जाए पूरे खतियान लड़के मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा सरना का जमीन अलग है, उसके साथ में पहने जमीन है। पहाड़ अगर छेद होते हैं तो वो जमीन होता है जो पहाड़ चुनाव में हुए जैसे के माध्यम से या तो हंगामी हुआ या तो हम कहें कि आम विधि से आगरा में बैठ के लोग सभी लोग एक नॉमिनेट करते हैं और उसको चुनाव करते हैं तो चुनाव करने के साथ में ही अगर जो पहाड़ चुनाए उसके वो स्वतः उसको मिल जाता है वो भुईहरी पहाड़ी जमीन। उसी तरह से काली कटारी जमीन, कोटवारी जमीन, भूत पूजा जमीन, पंधर्वा जमीन, सब इस तरह का है। आज के तारीख में इसको समझना होगा। एक किताब कि हमारे पूर्वज होता है कि मुर्गी नहीं चलाना चाहिए, सरूल में अभी सरूल है, हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि सरूल में हम लोग मुर्गी बलि देते हैं, बलि हम लोग करने नहीं है। थोड़ा सा पहले हम लोग मुर्गी चलाते हैं धरती माँ के नाम से, सूरज के नाम से, सूरज गांव के भूमि के नाम से, और उसके साथ मैंने कहीं पर 3 को, कहीं पर 5 को, कहीं पर 7 को होता है तो ये इसके नाम से चला के उसको दिया जाता है। अब दिया जाता है उसको एक काम करना है। ऐसे भी अगर कहा जाए तो हम लोग खाते हैं, हरेक का घर में कुंती है, हम लोग हरेक का घर में कुंती है, हम लोग कोई बकरा का बलि या काला का बलि नहीं करते। तो इस बात को एकदम गौर से सोचा जाए। मेरे पूर्वज एक पवित्र अभी लोग बजरुआ बना दिया है और उसको लोग बाजारू बना के उसको लोग तिरस्कार के रूप में देख रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग हड़िया ढाले हैं, हरेक पूजा में हड़िया ढाले हैं। हम घर में डंडा कंटा करते हैं उसमें हड़िया ढालते हैं, शादी ब्याह में जो मेन पूजा होता है उसमें हड़िया ढालते हैं, सरना में अभी सरोल पूजा में हम हड़िया ढालते हैं। कोई बुरा नहीं है, ये पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री है। और हम एक प्रोफेसर है, पढ़े लिखे हैं, ये पिछले साल यही रांची के अंडे हाउस में पूरे ऑल इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के आदिवासी लोग का सम्मेलन हुआ था। उसमें सभी लोग अपने अपनी बात रखे, हम भी बात रखे, हम भी एक थे। हम बता दे रहे हैं कि जितने जगह के आदिवासी भारत के आदिवासी लोग सब लोग अपना उसका जो पवित्र चीज है तो ढालते हैं पूजा में, वो हड़िया है।
सब आदिवासी यहाँ उदा मुंडा खड़िया हो संथाली है उधर मोर भीम उधर चले जाए नागा बीजो त्रिपुरा जाति के जो लोग हैं आदिवासी लोग उनको सारे लोग दूसरे देश से जो आए थे 15 देश से आए थे अलग अलग देश से उन लोग भी बोले उन लोग तो वहाँ हिंदी नहीं बोलते इंग्लिश से बोलते हैं इंग्लिश से बोले उन लोग बोले कि हम लोग भी जो चावल चावल से बना हुआ अपने राइस राइस बियर को हम लोग ढालते हैं बोले तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लोग सरकार प्रार्थना सभा में कहते हैं हरिया हटाओ हरिया नहीं हरिया मत हटाओ दारू हटाओ दारू सबसे खराब चीज है मेरा आदमी लोग हरिया अपने के खेत में काट के सब कुछ किए बीमार नहीं होते थे रात रूढ़ी नहीं होता था जॉन्डिस नहीं होता था अभी भी अगर जिसको जॉन्डिस से ठीक होता है वो कहता है कि हरिया पी लो तो मेरा थोड़ा सा हम बोलने के पीछे हम हरिया का बढ़ावा नहीं दे रहे मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक जो पूजा का जो सामग्री है पूजा की जो सामग्री है वो पूरा पूजा की सामग्री को हम रखें और करें बाजारों को बना दिया है ये बाजारों में हम लोग सबको मिलजुल के प्रतिबंध करें और प्रतिबंध हम लोग किए हैं सना प्रार्थना सभा जब से हुआ है गांव के गांव लोग घर के घर लोग दारू हड़िया पीने से दारू पीने से लोग छोड़ दिए बहुत जगह शादी में भी अब बंद हो गया है लोग एकदम नहीं देते हैं पूजा पाठ में भी और ये बहुत बड़ी बात है मेरे यहां कहने का मतलब है जो पूर्वज मेरा जैसे कि लोग कहीं कहीं पर डंडा कटना करते हैं तो उन लोग कहते हैं कि अंडा में जीव है तो अंडा को नहीं देते हैं हम लोग नराटी को देते हैं ये गलत है अंडा रहे चूल्हा मट्टी है चावल पूड़ी है कोयला का चूर्ण है उससे जो उस डंडा कटना का जो फिगर बनता है उससे बना अंडा रखते हैं चावल है उसी से करें अंडा का बहुत मान्य है कोई प्रमाण है उससे एक जीव होता है और जो भेलवा का डंडी वहां रखते हैं वो भेलवा का डंडी एक अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली है बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अगर आपको जंगल चलने में पहले जो जंगल जंगल ही जंगल था जंगल चलने में अगर डर लगता था तो भेलवा का डाली तोड़ के लोग पकड़ के चलते थे तो उससे किसी भी तरह का सांप गोजर या फिर किसी तरह का अनिष्ट डाली जो खराब कोई भूत नहीं पकड़ता था तो ये हमारे पुरखा लोग की बात अगर करें तो बहुत बड़े विद्वान थे सतुआ पेड़ अगर ऐसे कहा जाए तो सतुआ पेड़ 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा और उसके साथ आप देख लीजिए कर्मा की पूजा करते हैं तो कर्मा पेड़ ऐसा है उसको हम साइंटिफिक ढंग से बोल रहे हैं कि वो 2400 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है 2400 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑक्सीजन छोड़ती है ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं हम भर नहीं पूरे जीव जंतु लोग जिंदा रहते हैं जितने आदमी लोग हैं जितने जीव जंतु हैं सब कोई ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं तो ये एक सबसे बड़ी बात है हम लोग को एक कोई बोलता है कि लोग भूत की पूजा करते हैं तो भूत क्या है थोड़ा सा सब कोई सुन लीजिए कि भूत क्या है लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी लोग भूत की पूजा करता है हम तो भूत की पूजा करते ही नहीं है हम तो जिंदा प्रेम की पूजा करते हैं भूत किसे कहा जाता है जो मर गया जो नहीं दिखता है जो नहीं है और हम उसका अगर मूर्ति बना के पूजा करें या तो हम उसका छोटा सा कुछ बना के करें तो भूत हुआ तो हम भूत की पूजा तो करते ही नहीं है हम ना किसी का मूर्ति बनाते हैं ना किसी का कुछ नहीं करते हैं हम तो जिंदा पेड़ की पूजा करते हैं जिंदा पेड़ का वर्तमान की पूजा करते हैं ये पेड़ हमको ऑक्सीजन देती है हवा देती है छाया देती है फल देती है ये पेड़ हमको सब कुछ देती है ये पेड़ ना रहे अगर हम यहाँ पूरे पेड़ को काटते हैं तो ये बंजर हो जाएगा इस जगह एक दिन बात हो रही थी हम लोग तो प्रोफेसर का हम लोग शुरू में जब बनाया सरना प्रार्थना सभा तो बोले कि परवीन जी आप लोग सरना प्रार्थना सभा जो बनाया है क्या आप लोग तो मंदिर में पूजा करते हैं कहे कि भाई अरे भाई ओडिशा तो आप लोग भी तो मस्जिद में या बाजार में जाकर पूजा कर लेते हैं इससे आप मुसलमान तो नहीं हो जाएगा हम मंदिर में जाके किए तो हम हिंदू तो नहीं हो जाएंगे ये बात चला
हम तू बोले कि आप लोग के शर्मा में क्या शक्ति है, हम कहे कि सब शक्ति शर्मे में है। रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तान में अगर हम 100 गो शर्मा पेड़ लगा दे तो रेगिस्तान आबाद हो जाएगा। और अगर आप 100 गो मंदिर बनाइएगा, प्रोफेसर से बात हो रही थी, हम कहे कि मंदिर बना लीजिएगा तो भैया रेगिस्तान अब महारेगिस्तान हो जाएगा। एक आस्था की बात अलग है, लेकिन जो हकीकत है ये हकीकत है। और आज हम कह रहे हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के लोग, ये पूरे वर्ल्ड के लोग, सिर्फ भारत हमें, पूरे वर्ल्ड के लोग, सभी राष्ट्र अध्यक्ष लोग, सभी लोग आज कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग सरना धर्म स्वीकार कर लो भाई, पर्यावरण बच जाएगा। इसलिए कि हम पेड़ की रक्षा हम करते हैं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पूरे पर्यावरण की पूजा हम करते हैं। और हम, हमको पूजा करने के लिए अगर कोई जगह चाहिए तो वहां एक जिंदा पेड़ चाहिए। हम जिंदा पेड़ का हम पूजा नहीं कर सकते। ये हुआ आदिवासी, यही है सरना धर्म और यही मेरा सरना धर्म है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी को अगर कहीं पर बहस में अगर भाग लेना है तो ये जरूर आप इस तरह की एक बात रखें। तो ये सबसे बड़ा अगर कहा जाए हमारे पूर्वज, आज से नहीं, जिस समय जंगल ही जंगल था उस समय गांव में एक पेड़ की पूजा की, एक स्थान जो सरना स्थान बनाए। और उस समय हम कहते हैं कि कुछ दिन पहले यही एक जंगल था इसमें, आज भी बहुत पेड़ है, लेकिन उस समय से लेकर आज तक इसी यही स्थान है जो सरना है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग गए थे लातूर में जंगल के बीच में ले लिया, कहा कि किसान अपना समय जंगल के बीच में, बोला कि भाई सतुआ खाली सतुआ पेड़ और जंगल के बीच में, सतुआ जंगल के बीच में वहां पर कहे कि सरना गाछ है, किसी में हम लोग पूजा करते हैं। हम बोले कि भाई ई सखुआ पेड़ है, ई भी सखुआ पेड़ है, ई भी सखुआ पेड़ है, इधर काहे नहीं कर रहे, इधर काहे नहीं कर रहे, इसको काहे नहीं कर रहे। नहीं बाबा, वाहन का कहना था कि हमारे पूर्वज जिसको बता के गए, जो मेरा सरना पेड़ है, जो उसमें एक शक्ति है, वो शक्तिशाली स्थान है, सरना में शक्तिशाली स्थान है, हम उसी की पूजा करते हैं। हम देखे हैं सिसई से आप जाएंगे, सिसई से जाएंगे एक पसिया ये रास्ता में, तो ओकबा एक जगह का नाम है, ओकबा का सरना का वहां सतुआ पेड़ एक जगह बड़ा बड़ा, कम से कम 15-16 को सतुआ पेड़ बड़ा बड़ा है, एक ही जगह, और वही सरना है। अब ये हम बता दे रहे हैं उस सरना का पेड़ का जो पत्ती गिरती है, उस पत्ती को कोई बाढ़ के धान छोड़ने के लिए भी नहीं जाता। उस जहां तक उस एरिया का उसका पत्ती जहां तक गिरता है, उड़ता है, वहां तक कोई नहीं झाड़ू नहीं मारता। उसका डाली अगर गिर जाता है तो उसको डाली को कोई छूते नहीं है। लोग अगर कोई छुआ तो रात को उसको गिरने लगेगा, उसको सौंपन देने लगता है कि आप क्या है, वापस लेके रखें। पत्ती लिया है मार के, उसको भी सौंपन देने लगता है कि देखिए महाराणी के पत्ती, ये शक्ति है। हम अपना गोली मिला हम अपने आंख से देखे हैं, ये लगाया पत्थर के बीच में हाथ लगाया, छतों पर रोकिया रखेगा, पानी आना बंद हो गया, सूखने लगा, सब जात के लोग, सभी जात धर्म के लोग बैठक किए, बैठक करके लोग बोले चाहे कि पानी मिलाना है। हम छोटा थे, 8वां क्लास में थे, हमको भी लगा कि बहुत भाई पानी तो ऊपर से आता है, ये आदमी कैसे बुलाया, बच्चा थे तो हमको भी लगा कि चलो भाई पूरा देखना चाहिए। मीटिंग हुआ कि उसमें बात हुआ, सब धर्म के लोग, सब लोग हाथ नीचे कर दिए, कहे कि हम लोग नहीं सकेंगे पानी मिला। पहाड़ थे कोलीबिरा गांव के बगल में ही, खड़िया पहाड़ थे कोलीबिरा के, खड़िया पहाड़ हाथ उठाए कहे कि हम बुलाएंगे। लेकिन मेरा शर्त है, आज रात को 10 बजे से पहले सब पानी भर लीजिए, आज उठना है 4 बजे भोर में, तो भरा हुआ पानी से नहाना है आप सब कोई को आना है। और उसके साथ ये चापाकल हो, कुआ हो या गाड़ी हो, कोई पानी नहीं भरेंगे। और वो पानी लेके लोग कहे कि सब
लोटा में पानी लेके सब कोई निकाले, मैंने नहा धोने के बाद में सिर्फ लोटा में पानी वहां कुआं से लेके या चापाकल से लेके अपना लोटा में पानी लेके लोग सुबह सुबह निकले और पूरा गांव का गांव घूमते हुए कि पानी आओ करके नारा लगाते हुए धरना स्थल में गए। हमने देखा कि एकदम मैंने तब तक 10 बज गया था, तब तक धूप था, इतना धूप था कि नहीं लग रहा था कि यहां पानी आना शुरू वाहन हुआ जैसे